हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो जैसे कि हमने अभी नए घर में शिफ्ट किया, तो हमें अभी जो प्लान कर रहे थे ऐसा था कि हम गार्डनिंग करना चाह रहे थे, तो हमें गार्डनिंग के लिए ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ गो थ्रू की और जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा वो था ग्रीन बैग का। तो काफ़ी लोग ग्रीन बैग में जो है प्लांटिंग करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ऐसा करें। जैसे हमारे पास छोटा सा टेरेस है, हम सोच रहे थे उसको यूटिलाइज़ करें। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमारा जो है ग्रीन बैग कैसा आया है और हम उसमें क्या क्या लगाएंगे, वो भी इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। असल आ चुका है, टूट तो नहीं गया, कहीं टूट ही गया? ओ माय गॉड, कुछ होने वाला है। तो चलो गाइज, मैं आपको पहले दिखा दूं। इस तरीके से हमें पैकेजिंग मिली है, तोड़ दिया हमने और टूटा नहीं है। इसको खोल के देखेंगे। वो ये खोलते हैं इसको यार, बोरी काम आने थी, ये वो इधर से निकालते थे। क्या आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत ही अनबॉक्सिंग नीट क्लीन नहीं हो रही है यहाँ पे। भाभी का बोल रही है नहीं टूटा, नहीं टूटा, नहीं टूटा, नहीं टूटा, वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है वो। स्ट्रांग क्या, बोरी काट दी? मैंने बोरी फाड़ दी। वैसे बता दें आपको यहाँ पे कि बोरी को आप यहाँ पे साइड से निकाल सकते थे, पर मेरे से कंट्रोल नहीं होता था, मैंने फाड़ दिया। लेकिन अनबॉक्सिंग करने वाले जरा इंपल्सिव नेचर के हैं। हमने जो मंगवाया है ये ग्रीन बैग, ये है आनंदी ग्रीन्स नेम से स्टोर है अमेज़न पे, वहां से, क्योंकि इनके रिव्यूज काफी अच्छे थे, तो वी सजेस्टेड बाय नो वन, हमने खुद ही देखा ये, तो हमें ये अच्छा लगा। रेट वाइज सस्ता था, रेट वाइज सस्ता है और रेट वाइज क्या रेटिंग वाइज भी अच्छा है वो भी। बाकी तो इसको खोल, इसका तो धागा वाला सिस्टम है, ये तो फाड़ दूं। ये तो फाड़ना ही पड़ेगा। क्या निकलेगा इसमें वो पता नहीं है क्या ये, लेकिन उसको इतना पता है कि पार्सल आया तो कुछ तो है। अनबॉक्सिंग करनी है इतना पता। वो ये बाबिका के लिए डंडे मारेंगे, इससे पिटाई करने के लिए डंडे मंगवाए हमने, सही है ना? पीवीसी पाइप है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्वालिटी दमदार है, क्वालिटी अच्छी है। और ये कुछ इसमें एल हुक्स दे रखे हैं, ये हुक जोड़ने के लिए, ठीक है। तो चलो गैदर करते हैं इसको, यहाँ पे भी लिखा हुआ वैसे टेम्परेरी, ये वाला दिखा दे टू बाय वन। तब तक ये कुछ इसके हड्डियां हैं जो हमें खुद जोड़नी पड़ेंगी। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन बैग, क्योंकि ये है ग्रीन। मुझे लगा बाबिका पूरी चली जाएगी इसके अंदर, बाबिका के लिए बेड बना रहे हैं हम, ठीक है। साइज इनफ है, मुझे लगा था छोटा होगा, बट काफी बड़ा साइज है, इतना ही होना था। ये बाबिका के लिए बेड बनने वाला है। यहाँ पे ये जो आप ये वाले होल देख रहे हो, यहाँ पे स्पेस दी हुई है, जैसे पोर्ट्स पे भी होती है, इसमें थोड़ी पानी की क्रॉसिंग के लिए, इसमें मिट्टी बहुत जाने वाली है, इतनी मिट्टी कहाँ से खो देंगे। तो अभी हम इसको लगा लेते हैं, असेंबल करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगेगा हाइट वाइज। मतलब मुझे इसकी जो स्पेस है काफी अच्छी लगी है, तो पहले अभी इसको गैदर करते हैं, फिर आपको बताते हैं। भाविका ने थोड़ा सा और अनबॉक्स कर दिया आपके लिए, हुक्स वगैरह। पापा जी, मम्मा जी, आप क्या कर रहे हो? हम बेबी इसको सेट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इसके अंदर पानी डालना है, ठीक है, गिरना मत, ठीक है। ग्रीन हाउस नहीं है, पानी का पौधा है, पता नहीं आपको, सोयल, सोयल है ना, और उसमें प्लांट्स लगाएंगे, हाँ जी, फिर पानी, फिर डालेंगे पानी और उसमें वेजिटेबल लगेगी। मैं, हम लगाएंगे, मम्मा, पापा और मैं। हाँ जी, उधर पापा को दिखाओ। पापा, बस होने ये वाला है काम, हो गया है ना, हो गया। सो फाइनली हमने असेंबल कर लिया है, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। तो ये हमने इस तरीके से असेंबल कर लिया, ये वाली हमें छोटी पाइप्स मिली थी, ठीक है, जो कि लगभग लगभग एक फुट की है ना, ये एक फुट की है, ये दो फुट की पाइप, ये वाली दो फुट की है, ये भी दो दो, ये दो दो फुट की, आगे जॉइंट लगा के उन्होंने हुक इसमें दे थी असेंबल करने के लिए, हमने वो लगाकर। तो आप ऐसे ये सोचोगे कि हमने ये वाला क्यों किया, इसके अलावा दूसरे ग्रीन बैग्स भी आते हैं जो कि कंपैरेटिवली सस्ते भी पड़ते हैं, लेकिन हमारा ये लेने का रीजन ये था, एक तो इसमें हम एक ही साथ में मल्टीपल चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि धनिया, पालक, पुदीना, साग,
तो हम सोच रहे थे कि ऐसे छोटी छोटी चीजें हम ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में लगा देंगे। और दूसरा ये था कि जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे जो इसकी साइड का पोर्शन है ये बाहर को नहीं जाएगा, ये सपोर्ट इसके साइड पे बनी रहेगी। जैसे एक गमला होता है कैसे सपोर्ट रखता है मिट्टी वगैरह अंदर रखता है, तो वो बैग्स जो दूसरे होते हैं वो साइड को गिरने लग जाते हैं, तो इस चीज में ये चीज बची रहेगी और अच्छा रहेगा। तो बाकी ये था तो हमारा प्रोडक्ट जो कि हमें बहुत पसंद आया, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सो हूसोएवर इज इंटरेस्टेड ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और साइज मैं आपको लास्ट टाइम बता दूं, इसकी जो इधर को हमारी ये चौड़ाई है ये है 2 फुट की, ठीक है, और अगर इधर की लंबाई की बात करूं ये है हमारी 4 फुट की, और इसकी हाइट जो है वो है 1 फुट की, ठीक है। तो मिट्टी तो काफी जाने वाली है इसमें, लेकिन फायदा भी हमें होने वाला है, वेजिटेबल्स लगाने का प्लान कर रहे हैं टेरेस पे। मिस मेरा आ करेगी बात गया ना, सॉफ्ट है, चलो निन्नी करो इसमें के लिए न्यू हाउस। आज भालका का बिस्तर इसी में लगा देते हैं, गिरेगी भी नहीं, नहीं तो बेड से गिरने का डर होता है भालका। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाय बाय, लाइक हां मतलब बार, ठीक है, उसके बाद हम बाहर जाके लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये इसको बाहर लगा देंगे। अच्छा, इसको कुछ नहीं रखेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे और भाभी का नाई नाई करेगी। नहीं, ये नहीं।